चलिए दोस्तों, सुजालपुर मंडी से थोड़ी अच्छी खबर आ रही है प्याज के लिए। जो प्याज में हमें तेज़ी नहीं देखने को मिल रही थी, पिछले कई दिनों से 14-15 रुपए के आसपास चल रहा था, आज हल्की सी तेज़ी दिखाई दी। अगर यही तेज़ी थोड़े दिन और रही तो दोस्तों 8 से 10 दिन में करीब प्याज 2000 के आसपास हो जाएगा। पर अभी कुछ दिन मंडियाँ बंद भी है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से कल दे दूंगा कि सुजालपुर मंडी कितने दिन के लिए बंद है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कितनी तेज़ी आज सुजालपुर मंडी में प्याज के भाव में हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्याज के भाव की दोस्तों, तो 1600 रुपये तक ऊपर में सुजालपुर मंडी में आज प्याज बिका है। अगर हम क्वालिटी अनुसार देखें तो छोटी क्वालिटी का प्याज 400 रुपये से लेकर 800 रुपये तक, मीडियम क्वालिटी का प्याज 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक, वहीं अच्छी क्वालिटी का प्याज 1200 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक हमें सुजालपुर मंडी में देखने को मिला है। वहीं बाज़ार की बात करें तो आज 100 से 150 रुपये बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली प्याज के भाव में दोस्तों। अगर हम लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन में भी 200-300 रुपये ऊपर ही बाज़ार आज देखने को मिला। अगर क्वालिटी अनुसार भाव देखते हैं तो छोटी क्वालिटी का लहसुन 2000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक, मीडियम क्वालिटी का लहसुन 3500 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक, और अच्छी क्वालिटी का लहसुन 4500 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक देखने को मिला है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों कल सरकार ने कुछ फसलों पर MSP को बढ़ाया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, तो उसका भी मैंने वीडियो डाला है किन किन फसलों पर कितनी MSP बढ़ाई है, तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं दोस्तों। और सुजालपुर मंडी से रिलेटेड कितने दिन का अवकाश है, उसका भी वीडियो कल 11 बजे चैनल पर आ जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, क्या तेज़ी बरकरार रही तो सही में प्याज 2000 के आसपास हो जाएगा क्या, आपको क्या लगता है, यदि 10 दिन में आने वाले क्या स्थिति रहेगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।